हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ आज के आप लोगों के सामने हाजिर हैं। तो आइए इस वीडियो के बारे में हम लोग बिना देर किए बात करते हैं। तो आज का जो वीडियो है वह संबंधित है प्राकृतिक गैस से। प्राकृतिक गैस अर्थात नेचुरल गैसेस, ये जो प्राकृतिक गैस होती है इसमें लगभग 95% हाइड्रोकार्बन की मात्रा होती है। प्राकृतिक गैस में 95% हाइड्रोकार्बन पाया जाता है, जिसमें से 80% सिर्फ मीथेन होता है। यह जो गैस है यह काफ़ी ज्वलनशील होता है। इसे इस ये जो है यह एक जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन यानी कि जीवाश्म ईंधन है ये जो गैस होता है। जीवाश्म ईंधन होता है यानी जीव जंतु के सड़े गले और शेषों से प्राप्त होता है। इसमें 95% हाइड्रोकार्बन होता है, 80% मीथेन होता है। इसके द्रवित रूप को हम लोग जो कहते हैं द्रवित गैस कहते हैं, जिसका उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, इसको एलपीजी भी कहा जाता है। इसके द्रवित रूप को एलपीजी कहा जाता है और इसका उपयोग किया जाता है साधारणतः रसोई गैस के रूप में। फ्रेंड्स, इस प्राकृतिक गैस के जो लिक्विड फॉर्म है यानी द्रवित रूप जो है वो द्रवित होता कैसे है, तो उसको उच्च दाब पर दबाव डाला जाता है जिससे उसके पार्टिकल्स काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं और वह द्रवित रूप में हो जाता है। गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। अब द्रवित रूप में होने के बाद इसको सिलेंडर में भरा जाता है तथा इसे एलपीजी कहते हैं और यह रसोई गैस में भोजन पकाने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि मूलतः यह जो द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है यह किनका यौगिक है? तो ये जो द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है यह मुख्यतः ब्यूटेन एवं प्रोपेन का यौगिक है। ब्यूटेन और प्रोपेन मिलके इस द्रवित पेट्रोलियम गैस का घटक होते हैं जो कि इसका निर्माण करते हैं। आप लोग को बता दें कि चूंकि यह द्रवित पेट्रोलियम गैस जो होता है वह गंधहीन होता है, इसमें गंध नहीं होता है, लेकिन इसमें अलग से एक मिथाइल मरकैप्टन यौगिक मिलाया जाता है जो कि इसके गंध को अप्रिय बना देता है। वह इसलिए मिलाया जाता है ताकि लोग दुर्घटना से बच सके, क्योंकि यदि यह कहीं लीक होता है तो आसानी से हमारे नाकों तक इसके सुगंध को पहुंच जाए और हम लोग सतर्क हो जाएं। इसीलिए मिथाइल मरकैप्टन यौगिक को मिलाया जाता है एलपीजी गैस में ताकि इसका गंध हमें अप्रिय लगे और यह कहीं भी रहने पर नाक में हमारे जा सके और गंध मिल सके, जिससे हम कई घटनाओं से बच सके। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो जो कि मैंने बहुत सारी जानकारी आप लोगों को दी। इसी तरह अनेक जानकारियों के लिए मेरे साथ बने रहिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।